नमस्ते, मैं हूँ अनिल बोकिल। मेरी पहचान मैं पूरी करके देता हूँ पहले, क्योंकि वो एक सेंटेंस के सिवा पूरी नहीं होती। मैं हूँ आर के लक्ष्मण का कॉमन मैन। आप पार्टी वाला आम आदमी नहीं, आम आदमी सही, इसका आम आदमी। अब ये नोटाबंदी के साथ हमारा भी संबंध जुड़ गया है। वो क्यों जुड़ा है, वो शायद पूरी संयोग की बात है, क्योंकि 18 साल से हम पब्लिक डोमेन में ये सब्जेक्ट लाते आए हैं। इसके पहले सभी गवर्नमेंट के साथ भी बातें होती है। पूरा मकसद क्या था, ये सिर्फ यहाँ तक मुझे ये था क्या कि मैंने पहले अभी दोनों लेक्चर जो सुने हैं, जहाँ व्यवस्था में जितनी बदलाव आ रहा है, व्यवस्था प्रश्नों से घिर चुकी है, सबको अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए लग रहा है कि ये क्षेत्र अपना नहीं बचा भी, ये बहुत बिगड़ गया है एक क्षेत्र। सभी क्षेत्र के लोगों, न्यायिक क्षेत्र से आए हो, वैद्य क्षेत्र से आए हो, इंजीनियरिंग से आए हो, सबको लगता है कि अपना क्षेत्र बहुत बिगड़ गया है, एक क्षेत्र में काम करना भी मुमकिन नहीं है। जो बुजुर्ग है वो तो वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं कि ये देश में कुछ बदलाव आएगा ही नहीं। आज जो हो रहा है कि मीडिया के बारे में भी ये बात हो रही है कि मीडिया भी क्या हो गया है, वो भी कितना करप्ट हो रहा है, उसके ऊपर कितने पीयर प्रेशर्स आ रहे हैं, पॉलिटिकल क्या है, एडवर्टाइज का बैलेंस कैसा है, इमेज बिल्डिंग क्या करनी है, इमेज स्पॉइलिंग क्या करनी है, ये सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है। अगर यहाँ कोई भी और दूसरे क्षेत्र का आदमी आएगा, शिक्षा क्षेत्र का आएगा, उसका भी आक्रोश यही रहेगा। न्याय क्षेत्र से आएगा वो अलग नहीं बात कहेगा, हर कोई बोलेगा कि मेरे क्षेत्र में इससे ज्यादा बुराई है। हमें लगता है कि ये भारत ऐसा कैसा हो गया, ये 40-50 साल के अंदर कि ऐसा हुआ क्या कि ये देश में हर आदमी लोग लग रहा है कि ये मेरा क्षेत्र सबसे बिगड़ा है। ऐसा नहीं है, भारत के आदमी की वृत्तियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, आया है व्यवस्था में आया है। लेकिन ये व्यवस्था में सभी के सभी व्यवस्था क्यों चरमरा रही है, इसका बहुत एक आसान तरीके से अगर ढूंढने जाए हम तो ये लगता है कि ये सभी व्यवस्थाएं अभी जो पैसे पे चल रही है, मोनेटाइजेशन जिसको बोला है, पैसे में जो चल रही है, वो पैसा ही बेसिक करप्ट हुआ है। इसलिए जो भी सेक्टर को, जो भी क्षेत्र को पैसा टच करेगा, जहां जाएगा उसको करप्ट करेगा। जैसे हमारे खून में ही प्रॉब्लम आ गया है, ल्यूकेमिया हो गया, तो जो ऑर्गन को जाएगा तो ऑर्गन को वो डिसेबल करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम लोग अलग अलग इसमें से ढूंढ रहे हैं कि इसके रास्ते क्या है, अपने अपने दायरे में हम सोच रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र से हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं वैद्य क्षेत्र से आ रहा हूं अस्पताल से तो मेरा ये क्या है, मैं शिक्षा क्षेत्र से आ रहा हूं, और हर जगह जाके हम आ रहे हैं कि यार ये पैसे ने सब चीज बर्बाद करके रखी है।